जुहार हजारीबाग, हजारीबाग हाई स्कूल जो कामाख्या नारायण के द्वारा डोनेट किया गया था, अंजुमन फलाहुल जो इस्लामिया है, कमेटी है, वो उसके द्वारा ये स्कूल चलता है हजारीबाग हाई स्कूल। इसमें एक मुद्दा आ गया था बीच में कि दो कमेटी बन गई है और फिर टीचर की बहाली को लेकर कि गलत हो रहा है सही हो रहा है, इसको लेकर इसके सेक्रेटरी जो हैं वो राजा रामगढ़ के परिवार से ही आते हैं, कामाख्या नारायण के परिवार से ही आते हैं, अधिराज जी आज हजारीबाग हाई स्कूल आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की कि अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है, इन सब चीज़ों को लेकर, और बहाली जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, इन पर हम लोग आज जानेंगे। हजारीबाग हाई स्कूल के मुद्दे जो आजकल बहुत गहमा गहमी में था कि टीचर की बहाली कैसे हो रही है, सेक्रेटरी दो कमेटी कैसे बन गई, इन सब बातों का आज खुलासा किया। आइए सुनते हैं यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने क्या कहा। ये था कि जब हम अध्यक्ष बने उस समय कमेटी सिर्फ एक थी, सेक्रेटरी एक थे। उनके देहांत के बाद और उसके बाद ये टर्म भी पूरा हो गया और मतलब स्कूल में क्योंकि हमारा डायरेक्ट एकदम इंट्रैक्शन सबसे रहता नहीं है, जो भी है वो तो सेक्रेटरी और जितने भी यहाँ के बोर्ड मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, सब लोग मिलकर स्कूल को ज़्यादा चलाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ का नॉलेज आया कि कहीं ना कहीं एक दूसरा कमेटी मिडिल स्कूल का बना है, जिसके सेक्रेटरी अलग है, अध्यक्ष हम ही हैं उसमें भी। तो वो लोग हमारे पास भी आए तो हमने भी लगा कि भाई ठीक है, अगर उस चीज़ की ज़रूरत है, अगर दो कमेटी की स्कूल में ज़रूरत है और अगर वो नियम के तहत हो रहा है, देखिए नियम की जानकारी 100% हमें नहीं है, जैसा अभी सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि इनका जैसा भी जो नियम है, जहाँ से दो लोगों को लेना है, जिस तौर तरीके से चलना है, जो इसका बायलॉज है पूरा, अगर बायलॉज फॉलो हुआ है और पूरा जो कमेटी है अगर वो इसके लिए ठीक है तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, स्कूल के हित के लिए जो भी काम हो। अगर कहीं ना कहीं हम लोग भी स्कूल में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन दिया, तो कहीं ना कहीं बायलॉज में ये चीज़ लिखा गया कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य स्कूल की अध्यक्षता करेगा, तो हम लोग का भी बस यही चीज़ है। क्योंकि ये एक लिंग्विस्टिक स्कूल है तो हम लोग का प्रयास ये रहा कि भैया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। उर्दू मीडियम स्कूल या कोई भी लिंग्विस्टिक स्कूल में चलने में आजकल बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है, ये बात आप लोग भी सहमत होंगे कि आजकल आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी आपका अंग्रेज़ी पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, हिंदी पर भी उतना महत्व नहीं दिया जा रहा, जो सही नहीं है। तो लिंग्विस्टिक स्कूल में अगर बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास स्कोप बहुत कम है, आगे बढ़ के यहाँ से निकलने के बाद उनके पास स्कोप बहुत कम। उन बच्चों का भी अगर ठीक से शिक्षा नहीं हो पाए, अगर पूरे अध्यापक उनको नहीं मिल पाए, जैसे 200 बच्चों का यहाँ का स्ट्रेंथ है, तो ये तो हमारा जैसे राज्य सरकार से भी मांग है कि भाई जो उनके भी बायलॉज में होगा कि आप अगर स्टूडेंट 200 भी हों या स्टूडेंट 100 हों या 500, आप जो भी टीचर्स को अलॉट करिएगा, अगर किसी को साइंस पढ़ना है तो उसको साइंस का ही टीचर पढ़ाएगा, उसको मैथमेटिक्स का टीचर तो पढ़ा नहीं सकता, जो मैथमेटिक्स वाला है वो सोशल साइंस तो पढ़ा नहीं सकता, ये तो संभव नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें देखना होगा। डीएससी साहब से हमारा मुलाकात नहीं है, उनसे भी हम जाके पर्सनली मिलेंगे कि भाई जो भी मैटर है, जैसे हमारे हाई स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल मिडिल स्कूल के, उनका सैलरी रोका हुआ है बहुत टाइम से, तो भाई अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो उस चीज़ का जवाब आप भी दीजिए, उसके ऊपर हम लोग भी अपना इंक्वायरी बैठाएंगे। आपको कोई अगर इंक्वायरी का कमेटी बैठाना है तो आप बैठाइए, कोई कहीं इंक्वायरी का कमेटी बैठाया गया उनके साइड से अभी तक के? नहीं, कुछ नहीं, कोई इंक्वायरी। तो भाई आप अगर किसी ने भी कोई आरोप लगाया है तो डेफिनेटली अगर उस चीज़ को आपको सिद्ध करना है तो कोई ना कोई तो कमेटी तो आप बनाइए, उसी रिपोर्ट पर कमेटी की रिपोर्ट। जब ये दो कमेटी बने उसके बाद से वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उस समय इसके पहले भी डीएससी साहब के डीसी साहब के निर्देश पे यहाँ पे एक जांच कमेटी आई थी, उस पर भी हमने वही चीज़ ही बोला था कि आप बायलॉज को देख लीजिए, हम बायलॉ नहीं हैं, हम तो अध्यक्ष बने हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम तो अध्यक्ष हैं, आप बायलॉज को देख लीजिए, जो कमेटी बायलॉज के हिसाब से ना हो उस कमेटी को आप रद्द कर दीजिए, हो गया रद्द, सिंपल है। उसमें तो कोई हमारा या किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, जो बायलॉज बना होगा वो कोई नया बायलॉज तो बना नहीं है, बायलॉज बना कब है, पुराना बना हुआ है, उसका भी सारा कागज उनको दिया गया था। हमारा बस यही उद्देश्य था कि जो भी लोग संगठित रहें, जो भी कमेटी में रहें, सब लोग मिलके स्टूडेंट्स के हित के लिए करें। आज के दिन में कहीं ना कहीं स्कूल का नाम खराब हो रहा है, जैसे आप लोग हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है कि 10 टाइप की बातें हो रही हैं, बहाली निकाला जा रहा है, बहाली पर रोक लगाया जा रहा है, फिर बहाली निकाला जा रहा है, फिर बहाली पर रोक लगाया जा रहा है, यहाँ से आरोप लग रहा है, वहाँ से आरोप लग रहा है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, जो कमेटी बायलॉज के हिसाब से नहीं है। और इसमें तो सरकार को भी या जो भी डीएससी है या फिर जो भी इसके डायरेक्ट इंचार्ज होंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनका भी ये काम है कि वो इसमें डायरेक्टली हस्तक्षेप करें और कमेटी को चेक कर लीजिए, जो कमेटी सही नहीं है आप उनको हटा दीजिए, फिर उनका बात क्यों माना जाए। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं कह रहे, हमारा बस सिंपल ये कहना है कि जो बायलॉज के हिसाब से कमेटी नहीं बना है वो कमेटी ऑब्वियसली स्टैंड नहीं करती है और वो कमेटी गलत है। आरोप चाहे जो भी हो सर, शिक्षकों की कमी देखी जा रही है,
स्कूल में। ठीक है, इसमें शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जैसा हमने अभी भी कहा कि शिक्षकों की बहाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे भी स्कूल में तब आएंगे जब आपके शिक्षक यहाँ पे होंगे और अच्छे होंगे। अगर पढ़ाई हो गई नहीं, अगर मैथमेटिक्स का पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो एक कोई लिंग्विस्टिक स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजेगा? जहाँ पे आपके सरकारी स्कूल भी हैं, तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक स्कूल में बच्चों को क्यों भेजा जाएगा अगर आपके पास प्रॉपर शिक्षक है ही नहीं? तो स्कूल में बहाली की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुआ, क्या कुछ इसका मामला है? अभी जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोगों ने बहाली 2022 में निकाली थी, विज्ञापन निकाला था, लेकिन कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, शिकायत कर दिया उपायुक्त महोदया के यहाँ और DSC और DO के यहाँ कि गलत बहाली लोग कर रहे हैं, चूँकि लड़कों की संख्या कम है और उतने टीचर नहीं चाहिए। 4 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन 7 टीचर अभी ऑलरेडी हैं, लड़के 200 हैं, तो 210 के हिसाब से 7 टीचर चाहिए, 7 टीचर हैं, इसलिए 4 सब्जेक्ट्स का कोई अपार्टमेंट की जरूरत नहीं है हाई स्कूल में। और 2 स्कूल शिक्षकों के बहाली जो वहाँ होने वाली है मदरसा इस्लामिया में, वहाँ भी गलत है चूँकि बच्चे कम हैं। इस पर हम लोगों ने चूँकि निर्देश आ गया था डिपार्टमेंट से, इसलिए हम लोगों ने बहाली रोक दी, स्थगित कर दी। इस बीच में हम लोगों ने DO और DSE दोनों को लेटर लिखा कि जिस ग्राउंड पर आप कह रहे हैं बहाली रोकने के लिए, स्थगित रखने के लिए, कि लड़कों की संख्या कम है, अगर तत्संबंधी कोई आदेश या कोई नियमावली या कोई नियम राज्य सरकार का है तो उसकी प्रति हमें उपलब्ध कराई जाए, लेकिन आज तक वो उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर हम लोग चले गए निदेशालय रांची, वहाँ पर डायरेक्टर और जो भी अफसर्स हैं संबंधित कार्यालय के, मैंने प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय दोनों जगह हम लोग गए और जाके मांगा, कहा कि सरकार का ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि बच्चे अगर कम हैं तो आप बहाली रोक दें, बल्कि जो विषय स्वीकृत है, जिस सब्जेक्ट में भी विषय में स्वीकृत पद है और सैंक्शन पोस्ट है और वैकेंट है, उस पर बहाली तुरंत कराई जाए, इस तरह का आदेश दिया गया है सरकारी विद्यालय में, इसलिए आप लोग भी कर सकते हैं। फिर हम लोग आए, अपने प्रबंध समिति में बैठक लिया कि साहब इस तरह कोई लेटर अब तक नहीं आया है, 2-2 बार स्मार्ट पत्र भी दिया गया है DSE को कि भाई भेजिए हमको वो लेटर, लेटर जब नहीं आया और जब हम लोग कन्फर्म हो गए कि सरकार का कोई ऐसा लेटर नहीं है कि छात्रों की संख्या के आधार पर अपॉइंटमेंट करना है, तो पुनः हम लोगों ने डिसीजन लिया कि विज्ञापन निकाला जाए और बहाली की जाए, इसलिए विज्ञापन निकाला गया 7/1 को, 7 जनवरी 2024 को भी हम लोगों ने रिटन टेस्ट लिया है, और अब इसका परिणाम आने के बाद हम लोग प्रॉपर वे में नियुक्ति करके सरकार के पास भेजेंगे, अनुमोदन जब हो जाएगा वो टीचर्स हमारे ज्वाइन करेंगे और पूर्ण प्रक्रिया से स्टार्ट होगा। या अभी अधिराज नारायण सिंह जो सेक्रेटरी आए थे वो बता रहे थे 2 कमेटी के बारे में, तो दो कमेटी में अध्यक्ष कौन थे और उसमें जो सेक्रेटरी कौन है, ये सब इसके बारे में थोड़ा बताइए, 2 कमेटी कौन कौन है? 2 कमेटी जो बनी थी उस वक्त, तो यहाँ जो पुरानी हेडमास्टर जो रिटायर हुई उनके एक भाई थे शाहिद अख्तर, जिनको सेक्रेटरी बनाया गया था, और एक नेता है रजी अहमद जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब उनका दावा है कि हम अध्यक्ष हो गए हैं, और इन दोनों को बायलॉज के ख़िलाफ़ गलत तरीके से बनाया गया था, तो न तो वो सेक्रेटरी हैं और न अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय अधिराज नारायण सिंह ने अभी खुद यहाँ पर सामने कह दिया कि वो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके रहते दूसरा अध्यक्ष नहीं हो सकता है, और चूँकि वो कमेटी गलत तरीके से बनाई गई थी तो इन्होंने खुद लेटर लिख करके अधिराज सिंह ने DC को दिया कि इस कमेटी को भंग किया जाए, ये कमेटी नहीं है। चुनांचा उस कमेटी को DC ने भंग कर दिया और उसके जरिए जो बहाली की गई थी उस बहाली को भी ख़त्म कर दिया। और जो दूसरी कमेटी अभी जो एक्टिव है वो उसमें कौन कौन है? वही दूसरी कमेटी है, 2 आदमी की है, रजी अहमद है और शाहिद अख्तर। शाहिद अख्तर सेक्रेटरी बोलते हैं और रजी अहमद अध्यक्ष बोलते हैं। अच्छा, और जो अभी जो प्रेजेंट में कमेटी है आप लोगों की, उसमें कौन कौन? अभी जो प्रेजेंट कमेटी है उसमें अधिराज नारायण सिंह तीनों शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर अनवर मलिक साहब उसके सेक्रेटरी हैं, मैं तीनों शिक्षण संस्थाओं का उपाध्यक्ष हूँ, प्लस जो मेन मदर कमेटी है अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ। वह यही है वो मदर कमेटी जो तीनों संस्थाओं को चलाती है। अच्छा, और ये सरकार से अप्रूव्ड है कि क्या है, मतलब कैसे है? नहीं नहीं, ये हम लोगों का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है और स्कूल है वो माइनॉरिटी है, तो शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है उस सोसाइटी को अपने बायलॉज के तहत काम करने का अधिकार है। अच्छा। जिस बायलॉज को गवर्नमेंट अप्रूव करती है। अच्छा। तो हमारा बिहार गवर्नमेंट से भी अप्रूव था, झारखंड बना तो झारखंड गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया, अब हमको उसी बायलॉज के मुताबिक स्कूल को चलाना है।